तो पता चलता है बैंक स्टेटमेंट से कि वो निकलवाए गुरदासपुर उसी दिन, और वो कह रहा था कि मैं तो हरियाणा में हूँ उस समय। तो वहां की जो वीडियो देखी गई तो वहां पर गाड़ी गुजरती है वहां पर, लेकिन गाड़ी खाली होती है। इकरारनामा भी इतने स्मार्ट तरीके से इन्होंने लिखवाया है कि गाड़ी का नंबर ही नहीं है इसके अंदर। दोस्तों, एक ड्राइवर और गाड़ी मालिक के द्वारा मिलकर एक व्यापारी का माल लूटने की खबर है। ड्राइवर अभी फरार है जबकि गाड़ी मालिक को हिरासत में ले लिया गया है और गाड़ी मालिक ने अपना जुर्म भी जो है वो कबूल कर लिया है। जी हाँ, कहाँ की ये घटना है, कितने का ये माल था, कैसे उठाया गया, कैसे चकमा देने की कोशिश करी गई और किस तरीके से जो पार्टी थी बीच में, ब्रोकर थे, ट्रांसपोर्टर थे, वो किस तरीके से पहुँचे इन तक और किस तरीके से गाड़ी मालिक को हिरासत में लिया गया, बताऊंगा पूरी तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो गाड़ी मालिक है इसका नाम मनदीप सिंह है, गुरदासपुर जिला पंजाब का रहने वाला है, और जो ड्राइवर है सुखविंदर सिंह वो भी जिला गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला है, हेल्पर साथ में राजवीर सिंह वो भी पंजाब का रहने वाला है। जो बुकिंग एजेंट है इस केस के अंदर वो RS लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन है, राजेश कुमार इसके ओनर है। इनके पास टाटा स्टील का टेंडर है, टाटा स्टील की ट्यूब्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट ये करवाते हैं रेगुलर बेसिस पे, और ब्रोकर इसके अंदर खन्ना गोविंदगढ़ नाम है ब्रोकर का, झारखंड जमशेदपुर के की इनकी ये फर्म है और सुनील है जो ब्रोकर इसके अंदर। और नॉर्मली ये जो गाड़ी मालिक और ड्राइवर है यहाँ से लोड उठाते हैं, खास करके जो गाड़ी मालिक है वो वहाँ से लोड जो है वो उठाता रहता था, और इस गाड़ी को जो लोड मिला वो जमशेदपुर से इसी टाटा स्टील की जो पाइप्स थी जिसकी वैल्यू 27 लाख के करीब बताई जाती है, 26,70,608 रुपये, और वहाँ से नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में ये माल लेके आना था, पंजाब के साथ ही पड़ता है, पंजाब होकर गाड़ी को जाना था नालागढ़। अब होता ये है कि 96,520 रुपये इसका भाड़ा था, ज़्यादातर पैसा जो है वो एडवांस ले लिया गया था, और इस केस में लेकिन एक लेवल के बाद जो है जब माल भर के गाड़ी चलती है 17 अक्टूबर को ये माल जो है जमशेदपुर से चल पड़ती है गाड़ी लोड होके, और 28 अक्टूबर को इस गाड़ी को पहुँचना था 11 दिन बाद, लेकिन गाड़ी पहुंचती नहीं है अपनी जगह पर, उसके बाद ही सबको पता चलता है और फिर वो सारी भागा दौड़ी इस केस में होती है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि नॉर्मली होता है कि जिन्होंने ब्रोकर है या जो ट्रांसपोर्टर है उसने अच्छे से कागज़ चेक नहीं करे, वेरिफिकेशन नहीं करी कि बंदे कैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसके अंदर, यहाँ तक के मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा चेक बुक, चेक की कॉपी भी एक साथ में दी गई, साथ में ब्रोकर का विश्वास बन सके इसके लिए जो ड्राइवर था उसने एक इकरारनामा एग्रीमेंट जो है वो भी दिखाया, पंजाबी में टाइप था, वो भी वहाँ दिखाया कि देखो ये मनदीप सिंह की गाड़ी है जो पहले आपके साथ अच्छे संबंध है, आपसे पहले भी माल उठाता है, मैं उसी की गाड़ी लेकर आया हूँ, लीज पर ली है मैंने गाड़ी, किराए पर ली हुई है, और इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं मेरे। तो ये सब देख के उन्होंने माल, ब्रोकर ने गाड़ी ट्रांसपोर्टर को दे दी, उन्होंने लोड करा दिया, माल वहाँ से चल पड़ा। अब उसके बाद हो गया गायब, तो जो ट्रांसपोर्टर है उसने सीधी सीधी FIR कराई। देखो अब ट्रांसपोर्टर पर क्या प्रेशर है, टाटा स्टील का टेंडर कोई छोटी बात तो है नहीं, अब गाड़ी ऐसे गायब होने लगेंगी तो ट्रांसपोर्टर को काम कौन देगा, 27 लाख का माल है। तो ट्रांसपोर्टर ने तो FIR कराई ब्रोकर के ऊपर, गाड़ी मालिक के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर, सबके ऊपर उसने FIR करा दी, जबकि ब्रोकर का कहना था कि मेरा कोई इसमें कसूर नहीं था, मैंने सारी वेरिफिकेशन करी थी, अब मुझे क्या पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है कि ये कांड हो जाएगा। तो फिर ब्रोकर ने मतलब अपनी जान बचानी है तो बंदे ढूंढने हैं, तो उसने सारी जो है कोशिश करी, पंजाब पुलिस में रिपोर्ट करी,
और पंजाब पुलिस ने कहा कि आपको झारखंड पुलिस को इसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से जो है माल लूट हुई है, वहाँ से जो माल लेके चला था वो। तो झारखंड पुलिस और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ इस केस के अंदर। तो सुराग ढूंढे गए सबसे पहले, तो जो सबसे पहले एक सुराग ये मिला, एक तो जो मोटा सुराग काम आया वो ये था कि आप देखिए 96,520 रुपये भाड़ा था, उसके अंदर कुछ 2,500 रुपये रह गया था, तो वो भी अभी माल पहुंचा नहीं है। तो ये मांगा उसने रस्ते में कि मैं हरियाणा में खड़ा हूँ, मुझे 2,500 रुपये मेरे खाते में डालो, मुझे पैसे चाहिए। वो 2,500 रुपये डाल दिया गया ब्रोकर के द्वारा या ट्रांसपोर्टर के द्वारा 2,500 रुपये डाल दिया गया। तो जब इन्होंने बाद में वो चेक करा कि वो 2,500 रुपये निकलवाया कहाँ गया, उसने निकलवाया कहाँ, तो पता चलता है बैंक स्टेटमेंट से कि वो निकलवाए गुरदासपुर में उसी दिन, और वो कह रहा था कि मैं तो हरियाणा में हूँ उस समय। तो एक तो वहाँ पर शक हुआ, फिर जब रास्ते के टोल चेक करे गए तो एक टोल जो होशियारपुर के पास में दिखा, अभी जो होशियार नालागढ़ से, नालागढ़ जहाँ गाड़ी पहुँचनी थी उससे पहले आता है ये टोल, चोलांग टोल प्लाजा, तो वहाँ की जो वीडियो देखी गई तो वहाँ पर गाड़ी गुजरती है वहाँ पर, लेकिन गाड़ी खाली होती है। तो कहने का मतलब गाड़ी पहले ही खाली कर दी गई जगह तक पहुँचते, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर्डर हो गया या बंदे गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, गाड़ी वहाँ से जा रही है लेकिन खाली जा रही है। तो यहाँ से उनको और पुख्ता हो गया कि ये तो प्लान्ड पूरा है और माल लूटा गया इसके अंदर। तो धीरे धीरे फिर उसके आगे चलते चलते जो ड्राइवर का गांव था कादियाँ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर रेड हुई, और रेड में से जब घर पहुँचे तो घर वालों ने कहा कि वो तो है नहीं, वो कहीं गया हुआ है, शायद जम्मू बताया गया या जो भी, कि हमें कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद फिर जब ड्राइवर नहीं मिला तो जो मालिक है मनदीप सिंह, उसके घर पर रेड होती है और वहाँ से मनदीप सिंह पकड़ा जाता है। पहले तो वो ऐसे शो करता है कि मुझे कुछ नहीं पता, प्लान इनका ये था कि इकरारनामा कर लिया है कि मैंने गाड़ी मालिक ने, मैंने तो किराए पर गाड़ी दी है, और वो आगे क्या करता है मुझे क्या पता है, और ड्राइवर भाग जाएगा, ये प्लान था जो अभी तक समझ में आया, जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया, जो ब्रोकर ने हमें बताया। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। पुलिस जब अपनी पूछताछ पर आती है तो फिर अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्रिमिनल बोल पड़ते हैं, तो शायद अभी भी नए नए क्रिमिनल बनना चाहते थे, तो इन्होंने फिर वो तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। तो मनदीप सिंह, जो अभी तक जानकारी सामने आई है, हमारी बात नहीं हुई है गाड़ी मालिक और ड्राइवर से, तो उन्होंने, उसने मान लिया अपना, बहुत जल्दी कबूल कर लिया कि ये सारा प्लान था और मैं भी शामिल था इसमें, सिर्फ ड्राइवर की वो नहीं है, मैं भी बीच में हिस्सेदार हूँ, और 26-27 लाख का जो माल था वो तो हमने दिल्ली में किसी के यहाँ पर 10 लाख रुपए में बेच दिया और पैसे हमने बांट लिए। और उसके बाद पुलिस पहुंची वहाँ पर जहाँ पर माल वो बेचा था इन्होंने, क्योंकि माल की रिकवरी भी तो करनी है 27 लाख का, लेकिन वो जो लोहे की पाइप्स हैं, और जब वहाँ पर पहुँचे जिस बंदे के वो बेची थी, उसने बोला कि वो तो मैंने पाइपों को पिघला कर लोहा बना चुका हूँ मैं तो उसका, अब वो पाइप्स इस दुनिया में नहीं है, अब वो क्या होगा, उसको हिरासत में लिया है नहीं लिया, क्योंकि चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है, तो उसका क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आज की डेट में सिर्फ 5 लाख रुपए का लालच, 10 लाख रुपए का इसमें पूरा कि इन्होंने लूट करी है और 5-5 लाख बांट लिया होगा, तो 5-5 लाख रुपए के लिए इन्होंने अपनी इज्जत, पूरी फैमिली की इज्जत दाव पे लगा दी, दाव पे क्या लगा दी, ख़त्म ही कर ली। और 25 लाख भी मुझे लग रहा खर्चा आ जाएगा तो भी ये छूटने वाले हैं नहीं जल्दी जल्दी, पहले तो वो 27 लाख की जो माल अगले का वो इनके ऊपर पड़ेगा, वो कहाँ से देंगे, हो सकता है कोई रिकवरी पड़ जाए, कल को कुर्की हो जाए, घर बिक जाए, है ना, तो ये तो 5 लाख वसूल हो ही जाएगा, उसके बाद केस में चोरी का मामला है, लूट का, वो कैसे उससे छूटेंगे, कितने पैसे खर्चा उस पर आएगा, हमें समझ में नहीं आता क्या सोचकर ये कांड इन्होंने करा है, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा ये काम है। वही जैसे मैं कहता हूँ कि जब ऐसा कोई काम होता है तो फिर वो अगली बार क्या होता है कि और किसी अनजान ड्राइवर या किसी मालिक को बंदा माल देने से पहले 100 बार सोचेगा, और इसमें अनजान भी नहीं, उसने अपना सारा वो दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए। और एक और मज़े की बात मैं बताऊं, मज़ा तो क्या है, मतलब धोखाधड़ी है, कि वो जो इकरारनामा दिखाया था मैंने आपको पंजाबी का, वो दिखाया उसने कि मनदीप सिंह और मेरे बीच में गाड़ी मालिक इकरारनामा भी है जी, आप चेक कर लो। ये बंदे थे झारखंड के, इनको पंजाबी पढ़नी नहीं आती थी, उसने पकड़ कर रख लिया कि ठीक है यार 500 रुपये के स्टाम्प पर करारनामा दिखा रहा है। जब ये फ्रॉड हो गया तो उसने करारनामा किसी से पढ़वाया कि इसमें लिखा क्या है, तो लिखा तो सही है कि मैं 40,000 रुपये महीने पे ये गाड़ी किराए पर ली हुई है मनदीप सिंह से, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गाड़ी का नंबर ही नहीं है। इकरारनामा भी इतने स्मार्ट तरीके से
इन्होंने लिखवाया है कि गाड़ी का नंबर ही नहीं है इसके अंदर, सिर्फ चेसी नंबर और इंजन नंबर है, तो ये फर्जी करारनामा था, ये भी यहाँ से साबित हो जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ और भी लग रही है मुझे आपसे बात करते करते कि जैसे मैं कह रहा था कि नए नए क्रिमिनल बनने की कोशिश कर रहे थे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है पहले भी इन्होंने कोई कांड करा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये तो अब पुलिस ही इन लोगों से उगलवा सकती है, या कोई और आस्पेक्ट इसमें हो सकता है कि भाई गाड़ी मालिक या ड्राइवर जो है वो हमें उनसे बात नहीं हुई है, वो बता सकें, लेकिन अगर है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी फैमिली कर सकती है, ड्राइवर तो अभी फरार ही है, वो ट्रांसपोर्ट टीवी को फ़ोन करके बता सकते हैं। लेकिन इस तरीके से माल चोरी करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बहुत से लोग हम कमेंट में इमोशनल होके सपोर्ट में लिख देते हैं कि कभी हो सकता है उसने, किसी व्यापारी ने इनके साथ कोई धोखाधड़ी करी हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन उसका कोई ये सलूशन नहीं है कि किसी का हम माल लेके भाग जाए, उसमें हुआ क्या, व्यापारी तो सहलेगा फिर भी, टाटा स्टील है वो तो, है ना, ये लोग कहाँ भरते फिरेंगे, ये तो सारी उम्र का कलंक जो है वो लग गया। तो चोरी है वो चोरी है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस केस में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर काम आपको अच्छा लगता है तो कम से कम 10 दोस्तों को आज ये वीडियो आपको शेयर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।